दोस्तों के साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरा होने की वजह से। अच्छा, मेरे साथ लाइट भी नहीं है, इंशाल्लाह लाइट मैं ख़रीदूँगा, तो वहाँ अभी ख़तरा है बग़ैर लाइट के अंदर जाना। ये साथ में कुछ जहाँ जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है ये घर हैं, बाकी सारे खेत हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में भी मैंने आपको जिन्नात के बारे में बताया था कि उस दरख्त है वहाँ कब्रिस्तान साइड पे, उसके कुछ असरात हैं। तो वहाँ मैं गया था तो वाकई वहाँ कुछ असरात तो हैं, मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन ये देख रहे हैं मुकम्मल तारीकी है और ये रात है। कुछ जहाँ जहाँ आपको लाइट नज़र आ रही है तो ये सब घर हैं, ये सामने भी घर है लेकिन इसमें जो है अंधेरा है। वो दूर आपको यहाँ आबादी बहुत कम है, नज़र नहीं आ रही होंगी आपको, काफ़ी ख़तरनाक है। बस ये चाँद है जिसकी रोशनी मुकम्मल आपको नज़र आ रही है, साथ में जो है सुनने में आ रहा है, अभी न्यूज़ में बताया था कि चाँद ग्रहण भी होगा, सोलर इक्लिप्स। तो एक गाड़ी आ रही है सामने, मोटरसाइकिल है। अच्छा, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, तो कहा जाता है, सुनने में आया कि इन लोगों को नज़र तो आता है इस किस्म के असरात जब होते हैं। बाइक वाला भी गया, इस वक्त रात के तकरीबन कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन ईशा का टाइम है और अल्लाह खैर करेगा। चलें, बस ये छोटी सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई थी आप दोस्तों के लिए, ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं गया क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग महसूस हुई थी कि वहाँ कुछ है, तो मैं नहीं गया क्योंकि मुझे भी जो है आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, तो ये कोई मैं फेक वीडियो नहीं बना रहा, जो होता है डायरेक्ट जो है मैं रिकॉर्ड करके। रास्ते में से मैं आ रहा था तो मैंने कहा चलें घर आ रहा था मैं, वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ, और ये अभी मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे। काफ़ी अंधेरा है और ये चाँद आप देख रहे हैं, हालांकि ये चौदहवीं का चाँद तो नहीं है लेकिन काफ़ी आबोताब से चमक रहा है। अब मालूम नहीं चाँद ग्रहण कब होगा बहरहाल, लेकिन ये जो अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, लाइट आपको नज़र बहुत ही कम आएंगी, ना होने के बराबर है लाइट। एक घर ये है, काफ़ी दूर है ये लाइट भी आपको जो नज़र आ रही है, तो लाइट का बड़ा मसला है, इशू है दोस्तों यहाँ गांव में, ये इशू होते हैं। अच्छा, ऐसी रात में फिर अंधेरे में इस तरह की फायरिंग जब होती है ना, चोरी और डकैतियों का, क्योंकि सर्दियों की आमद है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो काफ़ी बहुत ख़तरा होता है। अब ये हमारा घर है जो लाइट नज़र आ रही है, और ये जहाँ लाइट नज़र नहीं आ रही ये भी हमारे घर ही हैं, लेकिन बस लाइट नहीं है तो काफ़ी इशू होता है। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ लाइट का इशू हो रहा है,
चलें ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह सबको जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफा याब अता फरमाएँ, सब अपना दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।